बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होंगे। कोविड पॉजिटिव होने और बीमारी के कारण कम बोलने की डॉक्टरी सलाह के बाद ये सवाल बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उन पर चुनावी रेस से बाहर होने का दबाव भी बनाया जा रहा है। चर्चा ये है कि बाइडेन कभी भी चुनाव से हटने का फैसला ले सकते हैं। वहीं बाइडेन की टीम से जुड़े एक सोर्स का कहना ये है कि इसको लेकर 21 जुलाई यानी कि रविवार को ऐलान हो सकता है। चुनाव की रेस से हटने की चर्चा में इसी बीच ये जानना भी जरूरी है कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी फैसला कैसे ले, क्या है उम्मीदवार को बदलने का प्रोसेस, बाइडेन के हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी किसे बना सकती है राष्ट्रपति उम्मीदवार का चेहरा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए कौन कौन से चेहरे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाइडेन पीछे हटते हैं तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। सबसे पहला नाम कमला हैरिस का। इसमें सबसे अहम नाम ही वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का है, जो जो बाइडेन की जगह लेने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर पर है। हालांकि कमला हैरिस पहले ही सक्रियता में कमी और पोलिंग अप्रूवल रेटिंग को लेकर बाइडेन प्रशासन की आलोचना का सामना कर चुकी हैं, लेकिन हैरिस ने बहस प्रदर्शन में उनका जमकर बचाव किया है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें प्रतिनिधियों को अपने फेवर में शामिल करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा। इसके बाद अगला नाम है गेविन न्यूसम। गेविन न्यूसम कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। न्यूसम अक्सर बाइडेन की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं और वो वर्तमान में बाइडेन को चुनावी प्रक्रिया में मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। अगला नाम है जेबी प्रिट्जकर। जेबी प्रिट्जकर अमेरिकी राज्य इलिनॉय के गवर्नर हैं। वो गर्भपात के अधिकार, बंदूक के नियंत्रण, मारुआना को वैध करने समेत कई मुद्दों को उठाने के साथ साथ हमेशा चर्चा में रहे हैं। बाइडेन को रिप्लेस होने की चर्चा के बीच जेबी उन नामों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगला नाम है ग्रेचन व्हाइटमर। ग्रेचन मिशिगन की गवर्नर है और पिछले कुछ समय में वो तेजी से फेमस हुई है और वो डेमोक्रेट नेता है। उन्होंने लंबे समय तक बाइडेन के लिए प्रचार किया है। व्हाइटमर ने 2022 में एक सफल अभियान का नेतृत्व किया जिसने मिशिगन डेमोक्रेट्स को राज्य विधायिका और गवर्नरशिप को कंट्रोल करने का मौका दिया। इस तरह कई खास पॉलिसी बनाने में भी उन्होंने मदद की है। इनके अलावा कुछ और नाम भी हैं। अगर बाइडेन हटे तो पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉश शैपिरो, कैलिफोर्निया के रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा सीनेटर बनी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरेन, एमी क्लोबुचर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी पीट पार्टी को भी कतार में उतारा जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार को बदलना आसान नहीं होगा। अगर पार्टी ऐसा करती है तो उसे नॉमिनेशन की प्रक्रिया को बदलना होगा। राज्य स्तर पर भी कई तरह से कानूनी तौर पर मुश्किलें आएंगी और पार्टी में अंदरूनी बदलाव भी करने पड़ेंगे। पार्टी को ये सारे फैसले एक तय समय के अंदर लेने होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के नियम नामांकन से पहले पद छोड़ने वाले उम्मीदवार को बदलने के लिए प्रक्रियाओं की भी अलग नियम शैली है। नए राष्ट्रपति कैंडिडेट को बदलने के लिए पार्टी को वोट के जरिए नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। पार्टी में नियम में संशोधन होने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होगी। संशोधन के बाद अलग अलग मतपत्रों पर बाइडेन की जगह नए कैंडिडेट का नाम दर्ज करने में भी कानूनी रूप से मुश्किलें जरूर आएंगी। और इसके बाद डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी वर्तमान में बाइडेन को पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित करने की प्रक्रिया में तेजी भी ला रही है। कुछ डेमोक्रेट्स की आपत्तियों के बावजूद भी ओहायो में मतदान की समय सीमा को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में अगर बाइडेन नाम वापस लेते हैं तो पार्टी को इतनी सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।